प्रभु यीशु कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईसा मसीह से आशीष प्राप्त करने के लिए लोगों ने बच्चों को ईसा मसीह के पास लेके आते थे। शिष्यों ने उन्हें डांटते थे, तब ईसा मसीह ने उनसे कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि इनके जैसे लोगों का है स्वर्ग राज्य। हम भाई बहन, बच्चों का विशेषता क्या है? पुराने विधान से लेकर यहूदी परंपरा के हरेक शास्त्रों में कहीं पर भी बच्चों के लिए कोई नियम, कोई विधान ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ईसा मसीह कहते हैं कि स्वर्ग राज इन जैसे लोगों का है। हम भाई बहनों, बच्चों का विशेषता ये कि वे निष्कलंक है, वे अपने आप को पवित्र बना कर रखते हैं, अपने विकार में, अपने विचार में, अपने सोच में। इसलिए ही ईसा मसीह हमसे कहते हैं, जो इन बच्चों के जैसे स्वर्ग राज्य ग्रहण नहीं करता, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आज हमें भी इन बच्चों के जैसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए स्वर्ग राज्य के हरेक मूल्यों को परिपूर्ण पवित्रता के साथ ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना है। आइए प्रभु के सानिध्य में रहकर अपने तन मन हृदय को शुद्ध बना करके उसी स्वर्ग राज्य के अनुरूप जीवन देने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करें। सबको यीशु।